हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सिवन इलेनी। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे हम लोग। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उसको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। पहला करंट अफेयर है, हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित किस तटरक्षक जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो इस तटरक्षक जहाज का नाम है सार्थक। मीटर लंबे जहाज को 291 किलो वाट डीजल इंजन द्वारा संचालित किया जाता है। इसे 26 समुद्री मील में अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। गोवा शिपयार्ड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए जा रहे 5 अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में सार्थक चौथा तटरक्षक जहाज है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया। तो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया CEEW द्वारा, जो ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद है, यानी CEEW द्वारा क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया। इसमें असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार राज्यों को चरम मौसम की घटनाओं के लिए सबसे अधिक संवेदनशील पाया गया है। मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वनरेबिलिटी ए डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट शीर्षक वाली रिपोर्ट में भारत के 640 जिलों का अध्ययन किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, कौन सा शहर राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। तो राजस्थान का जो जयपुर शहर है वो राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार की पर्यटन विकास योजना के तहत किया जा रहा है। सॉरी, ये जयपुर नहीं रहेगा, रायपुर रहेगा, रायपुर जो कि छत्तीसगढ़, रायपुर। जो छत्तीसगढ़ का रायपुर है वो राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव 2021 की मेजबानी कर रहा है। यह उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, श्रीलंका, युगांडा, सीरिया, माली, फिलिस्तीन और किंगडम ऑफ इवातिनी सहित देशों के विविध आदिवासी समुदायों से संबंधित कलाकारों की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, एजुकेशन एट योर डोरस्टेप योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुभारम्भ किया है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एजुकेशन एट योर डोरस्टेप योजना का शुभारंभ किया है। उन्होंने योजना संबंधित एक ऐप और थीम सॉन्ग भी जारी किया है। यह 15 नवंबर 2021 से शुरू होगी। योजना के स्वयंसेवक हर शाम 1 घंटे के लिए छात्रों के साथ उन स्थानों पर जिन्हें समुदाय में पहचाना और खोला जाएगा पर एक साथ इकट्ठा होंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया है, जो खुद को पुरुष या महिला के रूप में नहीं पहचानते हैं या नॉन बाइनरी इंटरसेक्स या जेंडर नॉन कन्फर्मिंग के रूप में पहचान करने वाले लोगों के लिए दस्तावेजों को अधिक समावेशी बनाने के लिए किया गया है। विभाग सभी पासपोर्ट आवेदकों को 2022 की शुरुआत तक विकल्प देने में सक्षम होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस हर साल कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस हर साल 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1892 में पेरिस शहर में प्रसिद्ध एमिल रेनार्ड के थिएटर ऑप्टिक में प्रोजेक्ट मूविंग इमेजेस के पहले सार्वजनिक प्रदर्शन के रूप में एनिमेशन का जन्म हुआ। IIT की घोषणा वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार किसे दिया गया। तो हाल ही में जो प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार है ये जिम्बाब्वे की लेखिका और फिल्म निर्माता हैं डांगा रेम्बगा को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार दिया गया। वे $29,100 सहित जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार जीतने वाली
पॉली अश्वेत महिला हैं और यह सम्मान 1950 से दिया जा रहा है। डांग रेम्बगा को उनके कार्यों के लिए जाना जाता है, जिसमें बेस्ट सेलिंग उपन्यास नर्वस कंडीशंस और इसके सिक्वल द मोरनेबल बॉडी शामिल हैं। नेक्स्ट कंट्री फिर है, हाल ही में भारत ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तीस ये मिसाइल है अग्नि 5। भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। 3-स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन का उपयोग करने वाली यह मिसाइल बहुत उच्च सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर तक दूरी को लक्ष्य में भेदने में सक्षम है। इसे उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया। थैंक यू।